वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने राम सेतु का निर्माण रावण के वध हेतु लंका जाने के लिए करवाया था। समुद्र पर बने इस पुल का निर्माण वानरों, रीच और नल नील भाइयों की निगरानी में हुआ था। नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे और उस समय के महान वास्तुविद माने जाते थे। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने स्वयं तोड़ा था। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में इसकी कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। पद्म पुराण के मुताबिक जब श्री राम रावण का वध करके लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्याभिषेक भी हो गया था, तब एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसा विचार मन में आने के बाद जब श्री राम लंका जाने की सोच रहे थे, उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें यह बात बताई तो भरत भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंप कर श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। बीच में किष्किंधा नगरी आई। श्री राम और भरत थोड़ी देर वहां सुग्रीव और दूसरे वानरों से मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि राम विभीषण से मिलने श्रीलंका जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उधर जब विभीषण को यह सूचना मिलती है श्री राम, भरत और सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वह पूरी लंका को सजाने के आदेश देते हैं। फिर भगवान श्री राम विभीषण से मिलते हैं। विभीषण सभी से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में रहते हुए विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना। जब श्री राम वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं तो विभीषण कहते हैं, भगवान आपने जैसा मुझसे कहा ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का ख्याल रखूंगा, लेकिन जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे तब मुझे क्या करना है। विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।